मैम देखिए क्या हो गया, क्या हो गया जी? नाम बताइए अपना। लेट हेल्प करो पैसे। नाम बताइए अपना। ये खाना खाते खाते एकदम से उन्होंने खाना छोड़ दिया और एकदम से अजीब से हरकतें करने लगे, मुंह टेढ़ा हो गया इनका और एकदम से जो खा रहे थे गिलास गिरा दिया है ना पानी का। लास्ट नॉर्मल कब देखा है इनको? यही आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले बिल्कुल नॉर्मल थे। नाम बताइए अपना। ये हाथ ऊपर कर सकते हैं आप, ये हाथ, दूसरी हाथ, दोनों हाथ सीधा ऊपर कीजिए 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 ठीक है। ये वाला पैर ऊपर उठाइए, पैर ऊपर उठाइए। ओके, ये वाला पैर ऊपर उठाइए। वेरी गुड, ठीक है। तो ये लकवा का लक्षण होता है। लकवा इज द लीडिंग कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म बेड रिडन थिंग इन द इंडिया। तो अगर हमने देखा गया तो लकवा इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल अगर आपने सही टाइम पे इसको पहचाना। तो इस पेशेंट का लक्षण हमें देखेंगे। पेशेंट आया है, इनको खाना खाते हुए इनके मुँह टेढ़े हो गया एंड उसके बाद इनको चलने में दिक्कत भी हो गई। तो अभी लकवा का लक्षण कैसे होता है हम दिखाएंगे। पहला चीज हम देखेंगे 6 साइन जो हमें स्ट्रोक और लकवा को रिकॉग्नाइज कर सके। तो एक तो है बी फास्ट है, बी में बैलेंस होती है, ई में आई का हम चेक करेंगे, एफ में इनकी फेस का ड्रिफ्ट चेक करेंगे, आर्म ड्रूपिंग चेक करेंगे एंड सी चेक करेंगे एंड टाइम चेक करेंगे। तो फर्स्ट चेक करेंगे हम बैलेंस। बैलेंस चेक करने के लिए पेशेंट अगर चल पा रहा है तो उस पेशेंट को खड़े कर दीजिए, दोनों पैर पास में रख लीजिए एंड दोनों हाथ पास में आके बंद रखना है एंड आगे पीछे हमें हाथ लगा के इनको गिरे ना उसको प्रिवेंट कर दीजिए। अगर पेशेंट स्ट्रेटली खड़े नहीं हो पा रहा है, स्वेइंग हो रहा है, ये लकवा का एक लक्षण होती है। एंड सेकंड वाले में हम चेक करेंगे इनकी आईज। तो आपको दोनों आंखें देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई पेशेंट को दोनों आंखें में देखने में ब्लरिंग हो रही है या एक तरफ में देखने में इनको तकलीफ हो रही है या परसिस्टेंट हेडेक हो रही है तो ये भी हमारा लकवा का लक्षण हो सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पे, वो है फेशियल डिविएशन। तो अगर किसी का मुँह टेढ़े होना तो वो भी लकवा का लक्षण हो सकता है। एंड नेक्स्ट वाले जाते हैं, मुँह का टेढ़े कैसे होता है दिखाएंगे अभी। एंड बात करने में भी अच्छे से नहीं होता। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में जाएंगे आर्म का। तो दोनों हाथ सीधा रखना है एंड पेशेंट को 5 सेकंड तक काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 अगर किसी का हाथ में पावर नहीं है, नीचे गिर जा रहा है, ये भी लकवा का लक्षण हो सकता है। सिर्फ आर्म वीकनेस ही नहीं है, अगर हाथ में सुनपना महसूस होना, एक तरफ फेस में और पैर में भी सुनपना महसूस होना, ये भी लकवा का लक्षण है। अब चलेंगे स्पीच पे। अगर स्पीच में स्लरिंग है तो मैं इनका नाम पूछूंगी अभी। आपका नाम क्या है? इंद्रा। इंद्रा, अगर पेशेंट का बात आपको स्लरिंग लग रहा है जिसमें लड़खड़ाना हो रहा है तो वो भी ये लकवा का लक्षण है। एंड नेक्स्ट वाले पे चलते हैं टाइम। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर कोई भी पेशेंट को आपने सही टाइम पे रिकॉग्नाइज करके आपने लेके आया पेशेंट हॉस्पिटल में, मैक्सिमम 30 मिनट्स तो हमारा इम्पॉर्टेंट टाइम है, बट आप 3 घंटे के अंदर हमें इनको एक इंजेक्शन देके थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं या फिर इनको MRI करके हम ट्रीट कर सकते हैं, तो ये पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड रिडन एंड डिपेंडेंसी में ना होने में बचा सकते हैं पेशेंट को।